अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी और आज थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। वैसे 6 बजे तक जाता हूँ मैं घर पे और भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते में ना कोई फास्ट फूड ले लूँगा, चाउमीन बर्गर कुछ भी, क्योंकि कल तो मिला नहीं था। तो आज देखता हूँ अगर मिलता है तो ठीक है, बाकी भूख तो लगी रही है, कुछ और ले आऊँगा। और मैं ठीक है, चटनी डाल दी ना, ठीक है। तो बस मैं अब घर जा रहा हूँ और मैंने ले लिए स्प्रिंग रोल और मैं ठीक ही दिए यार, 50 के दिए वैसे। और 2 बड़े बड़े स्प्रिंग रोल थे जो उसने मतलब छोटे कर दिए काट काट के। तो अभी मैं घर पे जाऊँगा, मम्मी पापा के साथ बैठ के खाऊँगा। पता नहीं कौन था मेरे को ऐसे करके गया। ला स्प्रिंग रोल है, चाय बना लो, खा लेंगे सारे। खा के देख लो, खा के देख लो। चाय बना लो फिर सारे खाएंगे। तैल का मचा रखा है इस लड़की ने। मम्मी जी है ना अपने वीडियो देखते रहते हैं और कितने लाइक आ गए, कितने सब्सक्राइब आ गए हैं। ये देखो 892। बढ़िया, सही है। संडे को जो है ना वो 916 वो तो जो पार्टी है ना तो बढ़िया वाला 916 सही है, मेरा भी है। अभी क्या हुआ कि मैं नीरज को फ़ोन मिला रहा था क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो हमको बाहर घूमने जाना, तो मैं सोचा कि यार उसके साथ प्लान करूँगा कुछ। तो क्या हुआ मैंने उसको कॉल किया अभी, तो उसने कॉल काट दी मेरी। तो उसने कॉल काटी तो उसका मैसेज आया अभी कि क्या आया वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसने एक सेकेंड फोकस कर ले, देखो इसने क्या मैसेज किया, आई एम इन द टॉयलेट कॉल यू लेटर। तो इसको भी कुछ नहीं पता, मैं ये डाल लूँगा लेकिन अपनी व्लॉग्स के अंदर। ये जो बाद में मेरा व्लॉग देखेगा यार ये क्या कर दिया तूने। पता है मैंने इसको बोला था कि यार तू ऐसे मैसेज मत किया कर मेरे को, ठीक है। ये मानता नहीं है लेकिन, ठीक है, ऐसे बार बार ऐसे ही मैसेज भेजता है कि यार। और टॉयलेट में बैठ के इंस्टाग्राम कौन चला रहे यार, हैं। और इसका पापा इसको बाहर से ना मतलब बुलाते रहते हैं कि भाई क्या कर रहे इतनी देर से, हैं। बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये कहता है आ रहा हूँ और अंदर बैठ के इंस्टा चलाते हैं। अभी भी इसके मैसेज आ रहे हैं, मैं अभी तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, बट इसके मैसेज अभी भी आ रहे कि यार क्या यार कैसे कैसे दोस्त है मेरे। तो देखो रात को पराठे खा रहा हूँ आज मैं। और एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है, आलू। अच्छा तो ये आलू की सब्जी है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी बर्फ़ी, और ये भगवान को चढ़ा चुके तो मैं खा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और गर्म है, अच्छी है। और मुझे खा सकता हूँ ना, भगवान को चढ़ा दिया नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि खा गया ना मैं। खा ले। ये दही है क्या? हाँ ये सारे भगवान की दही। तो आगे फिर से किस्सा सुनने चलो, कोई नहीं सुनाता हूँ एक किस्सा। पहले तो मैं टाइम दिखा दूँ कि 1:18 हो रहे, मैं अभी एडिटिंग कर रहा था। तो मैं सोचा यार एक छोटी सी शूट और कर लूँ। तो क्या है कि मेरा ना एक फ्रेंड है, तो उसने क्या किया, वो यार कमाल का बंदा है यार, बहुत कमाल का बंदा है। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको पता लगेगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि जब मेरा वो शुरू में दोस्त बना दूसरे दिन की बात है, उसने मेरे से कहा कि सोटी यार कुछ खाना है तो आया कैंटीन चलते हैं। तो मैंने कहा चल, मैं कैंटीन चला गया उसके साथ। तो मैं कैंटीन गया तो उसने क्या किया, बोला कि भाई तू एक काम कर 2 पैटीज़ ले ले और एक कोल्ड ड्रिंक ले ले, मैं अभी आया बस। मैंने कहा ठीक है। मैं काउंटर पे बिलिंग करवाने गया तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था बाहर, तो मैं खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा था उसकी, वो बात किए जा रहे, मैं फिर खड़ा हूँ, वो बात किए ही जा रहे अभी। तो ऐसे करते करते 15 मिनट हो गए। तो मैंने कहा यार कहाँ रह गया वो, तो मैंने उससे कहा कि भाई आ जा एक बार। तो बोला एक बार भाई 2 मिनट मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तू कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने काउंटर से बिलिंग करवाई और मैं आ गया। तो जैसे ही मैं मतलब बेंच पे आया ना, तो बेंच पे आते ही वो एकदम से आया फ़ोन काट के। मैंने कहा यार उसका फ़ोन एकदम से कैसे कट गया? तो फिर बोला कि भाई बिलिंग करवा दी काउंटर पे? मैंने कहा हाँ करवा दी। तो बोला ठीक है, पैटीज खा रहे हैं अब। तो मैंने कहा भाई, मेरे को लगा यार 50-50 करता होगा पैसे। तो वो बोला, मैंने कहा भाई पैसे? बोला बाद में ले लियो, या एक काम करेंगे अगली बार मैं पार्टी दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते मतलब उसने एक हफ्ते तक किया ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा खुद भी देख तू, ठीक है। तो वो बोला कि चल अगली बार मेरी। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, हम घर जा रहे हैं, ठीक है। तो घर जा रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में वो मेरे से बोला कि यार सौरभ तेरे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा अब क्या हो गया? बोला कि यार मेरे को ना बस में जाना है घर, ठीक है, और मैं पर्स नहीं लाया। और उस दिन मतलब मैं भी पर्स लेके नहीं आया था, तो थोड़े बहुत बचे थे, वो मैंने वैसे ही काउंटर पे बिलिंग करवा के कैंटीन में और कुछ खा लिया था हमने। तो मेरे पास अब 5 रुपये बचे रहे थे, ठीक है। तो मैंने वो बोला कि 20 रुपये दे दे टिकट के लिए। मैंने कहा भाई टिकट तो 10 रुपये की है, गांव से है वो, गांव से आता है। तो मैंने कहा टिकट तो 10 रुपये की है वहाँ की। तो बोला भाई 10 रुपये उसके टिकट के और 10 रुपये का कुछ खा लूँगा। मैंने कहा रहने दे यार तू, ठीक है। तो बोला कितने है तेरे पास? मैंने कहा 5 रुपये पड़े हैं। बोला 5 ही दे दे। 5 रुपये ले लिए मेरे से। मैंने कहा यार ये क्या बोल दिया इसने, ये 5 रुपये के लिए यार कौन करता है ऐसे? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि हम ग्रुप में बैठे थे 4-5 लड़के, तो हमने मिल्क शेक बनवा लिया। मिल्क शेक वो बनाना शेक, सॉरी मिल्क शेक नहीं, बनाना शेक बनवा लिया। तो हम पी रहे हैं, वो बीच में आया, एक गिलास उठाया और पी गया, 2 गिलास पी गया, 3 गिलास पी गया। तो उस हमको आए थे सबको 1.5-1.5 गिलास और वो 3 गिलास पी गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर कमाल पता कब हुआ? कमाल तो तब हुआ कि जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। क्या हुआ कि उसकी अब जैसे यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो तुम उसको खुश रखने के लिए उस पर उसका खर्चा नहीं होने दोगे, मतलब ठीक है। तुम यही चाहोगे यार लड़की का खर्चा क्यों करवाएं, खुद करते हैं, है ना। वो अलग ही खेल रहे भाई। उसने क्या किया उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड से 2000 रुपये मांग लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर भाई वो अब उसको वापस नहीं कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने इसको क्या किया, 4 दिन बाद भाई बना लिया, ठीक है। अब जितने भी हम ग्रुप में थे यार दोस्त, अब हम हंस रहे कि यार लड़की को भी नहीं छोड़ा और उस लड़की ने भी अब भाई बना लिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो अब वो भी खुशी से बता रहा है कि यार उस लड़की ने तो भाई बना लिया मेरे को, ठीक है, मैंने उसको 2000 रुपये नहीं दिए इसलिए। तो हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो लड़की कह रही 2000 रुपये दे। उसने लड़के ने क्या किया, मेरे दोस्त ने 2000 रुपये लिए किसी से मांग के और उस लड़की को दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि उसने उस लड़की को जब 2000 रुपये दिए तो उसने उस लड़की का फ़ोन निकाल लिया। अब फ़ोन निकाल लिया और चुपचाप अपने घर चला गया। शाम को मेरे पास कॉल आया, बोला कि सोडी भाई एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? बोला मेरे पास है ना एक फ़ोन है और वो लॉक हो रहा है और है ना मेरे को इसका लॉक खोलना है। तो अब क्या है, मेरे को थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता है, साइबर सिक्योरिटी होगी, हैकिंग होगी, मतलब इतना नहीं है, हाई लेवल पर नहीं पता, पर हाँ पता है कि डोज अटैक क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को पता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्हीं चीज़ों में आते। तो क्या था कि मैंने कहा कि यार तेरे को करना क्या है, फ़ोन किसका है? बोला फ़ोन मेरी गर्लफ्रेंड का है। मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड का, जो जिसने तेरे को भाई बनाया, उसका फ़ोन तेरे पास क्या कर रहा है? तो बोला खुशी से बता रहा है, कह रहा है मैंने चुरा लिया है, उसने 2000 रुपये मांगे थे मेरे से, तो मैंने उसको 2000 रुपये दे दिए और 10,000 का फ़ोन ले लिया। मैंने कहा तो अब करना क्या है इसका? तो बोला भाई मैं इसका लॉक खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को हैक करना है ये। मैंने कहा रहने दे तू, ठीक है, फंसा देगा, ठीक है, वापस कर इसको। कल को मान ले पुलिस ने भाई उसमें लड़की ने केस वेस कर दिया कि भाई तूने चोरी करी है। मैं बोला ऐसे कैसे पता लग जाएगा? मैंने कहा यार आजकल IP एड्रेस से पता लग जाता है, लोकेशन वगैरह। वो बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ, तो कल जाइए और चुपचाप उसको फ़ोन दे दियो। उस भाई ने फ़ोन ही बेच दिया और मेरे को बोला कि भाई मैंने वो तो बेच दिया फ़ोन, ठीक है, अब फंसेगा तो अगला फंसेगा। ऐसे दोस्तों से बच के रहा करो, ठीक है। और मेरे से एक कमाल की बात बताऊँ, मेरे पास घड़ी थी एक, ठीक है, मेरे से बोला 2 दिन बाद ले जियो, ठीक है। घड़ी ले गया, वो ना वो दिखा ना घड़ी दिखी मेरे को, पता नहीं यार वो है तो यार वो ऐसा ही। अब फिर मैं सोचा छोड़ ना, चल कोई बात नहीं। अब चली गई। मैं तो उसके गांव में नहीं जा सकता, वो इशारा नहीं वाला, बस इसीलिए उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे वो। चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।